सो नमस्कार दोस्तों, टीम गार्ड लाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब आप बोलेंगे कि नेक्सॉन में भी 5 स्टार मिले तो वो भी सेफेस्ट है, ये भी सेफेस्ट है। इसकी जो रेटिंग है 5 स्टार के साथ जो स्कोर मिलता है, वो स्कोर इसमें ज़्यादा मिला हुआ है चाइल्ड सेफ्टी में, एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ खास फीचर हैं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल और बहुत ही क्विक ही वॉक अराउंड रहेगा। ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे और ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे विद द राइवल कार्स। सो सबसे पहले दोस्तों, दिस इज़ द फ्रंट लुक। जो ग्रे कलर है वो काफ़ी ज़्यादा एक लग्जूरियस टच ऑफर करता है, बहुत ही प्रीमियम कलर लगता है ये। देन यहाँ पे फ्रंट में आपको कुछ ऐसी क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिल जाएगी, महिंद्रा का न्यू लोगो जो कि गाड़ी की चाबी पे देखने को भी मिल जाएगा, और सेम चीज़ आपको एक्सयूवी 700 में और स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसे हेडलैम्प मिलेंगे, हेलोजन हेडलैम्प दिया गया है और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स अवेलेबल है। हेलोजन में आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाते हैं। फ्रंट में आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे जो हेडलैम्प यूनिट है दोस्तों वो प्रोजेक्टर मिलता है, तो लो बीम प्रोजेक्टर में, हाई बीम रिफ्लेक्टर में। हेडलैम्प यहाँ पे LED होते तो और ज़्यादा बेटर रहता। ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन अवेलेबल है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे वाइपर्स मिल जाते हैं। साथ में फ्रंट में सेंसर आप देख सकते हैं और यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है, साथ में यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। इसी के साथ दोस्तों, ये है साइड प्रोफाइल। इस गाड़ी का जो बोनेट है वो सबसे आपको लॉन्गेस्ट मिलता है इन दिस सेगमेंट। यहाँ पे जो बोनेट है वो इतना बड़ा करा गया कि यहाँ पे जो बूट है उस वजह से थोड़ा सा आपको कम मिलता है। सो ये जो XUV 300 है दोस्तों, ये अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट रगेड SUV है। रोड पर बिल्कुल ये जैसे हम बोलते हैं बहुत ही प्लांटेड राइड क्वालिटी देती है। जो ग्रिप है टायर से वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, किसी भी रोड पर आप इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत ही रफ एंड टफ और एक्चुअल SUV वाली जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। बोनेट भी बहुत ही हैवी दिया गया, और ये है इंजन। आपको यहाँ पे फुल अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन देता है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी साउंड रेडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पे 2 इंजन आपको मिल जाते हैं, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। और साथ में यहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाती है। जो इसकी एवरेज मंथली सेल है विद द राइवल कंपैरिजन वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो फीचर्स है ओवर द टाइम काफ़ी कट डाउन हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 7th एयरबैग था वो हटा दिया गया है। देन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह रिमूव करी गई है। 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिलते थे, अब आपको यहाँ पे 16 इंचेस के मिलते हैं। तो फीचर्स कट डाउन करने के बाद भी जो इसकी सेल है वो इतनी डाउन नहीं हुई, बिकॉज ये जो SUV है अपनी कैटेगरी में बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही रगेड SUV है। सस्पेंशन भी इंडियन रोड के हिसाब से यहाँ पे पूरा ट्यून करा गया। साथ में दोस्तों, यहाँ पे फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। साइड की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे डोर्स पे भी क्लैडिंग दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफर करती है। और यहाँ पे 16 इंच की आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। 205/65 सेक्शन टायर दिए गए हैं, और यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVM दिए गए हैं। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ऊपर आपको सनरूफ मिलेगी ब्लैक फिनिश में। रूफ रेल्स बहुत ही हैवी ड्यूटी यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई है, साथ में एक नॉर्मल एंटेना। और रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबल है, और यह है रियर लुक। और ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ में हमारी वेबसाइट पे हर एक कार की एग्जैक्ट जो सर्विस कॉस्ट है, हर एक सर्विस पे कौन कौन से पार्ट चेंज होते हैं, वो भी 10 साल तक के वो सब लिस्टेड है। तो आप वो ज़रूर चेक करें कोई भी कार परचेज करने से पहले। साथ में दोस्तों, कई सारे जो डिस्काउंट एंड ऑफर होते हैं उसके बारे में आपको डीलर नहीं बताते, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं। 70% आपको इंश्योरेंस भी ऑफ मिल जाता है जो कि आपको नहीं पता चलता। तो वो सब जानने के लिए एक फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर सकते हैं, नेम नंबर एंड आपका जो ईमेल आईडी है, एंड वी विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए होगी। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन को चेक करें। साथ में ये है रियर लुक, स्पॉइलर, वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पे LED टेल लैम्प, यहाँ पे ऑटो शिफ्ट यानी कि ऑटोमेटिक है। ये काफ़ी बिग साइज़ का यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, तो बहुत ही बिग साइज़ की दी गई है। साथ में यहाँ पे स्किड प्लेट, XUV 300 की बैजिंग, रियर में यहाँ पे कैमरा, हेलोजन लाइट्स, और ये है बूट स्पेस 60/40। यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन दिया गया, साथ में बूट में कोई भी लैंप अवेलेबल नहीं है। लैंप आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। लगेज जो ट्रे होती है, पार्सल ट्रे, वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, और ये कुछ ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है शेल्फ दिए गए हैं, तो इसके अंदर हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। आप नीचे रखना चाहते हैं नीचे रख सकते हैं, इसको पूरा निकाल के ऊपर की तरफ कर सकते हैं। और जो स्पेयर टायर है वो भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये है स्पेयर टायर जो कि नॉर्मल स्टील व्हील दिया गया, और ये स्पेस सेवर है तो छोटा सा आपको मिलेगा, ये मतलब इतना बड़ा नहीं मिलेगा। तो ये है 135/90 R16। तो ये आप 80 की स्पीड तक ही इसको आप ड्राइव कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ड्राइव इसे नहीं कर सकते। साथ में इसमें आप इतना गैप छोड़ के यहाँ पे नीचे कुछ रख सकते हैं, कुछ ऐसे
और ये बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो डायमेंशन कंपेरिजन है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और जो ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, तो ये है रियर सीट की लुक। तो रियर सीट में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। फ्रंट सीट के बैक में यहाँ पे कुछ ऐसी आपको मिलेगी फॉर द स्टोरेज एरिया। रियर में कोई एसी वेंट नहीं दिया गया। यहाँ पे सेंटर में एक आपको हेलोजन लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया विद कोट हैंगर, और उस साइड भी आपको सेम ही मिलेगा। साथ में सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल है जो कि काफ़ी वेल प्लेस्ड है। और ये है गाइस इन्वॉल्व की बोटैनिकल गार्डन परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग है। जैसे आप कार में अंदर एंटर करते हैं एकदम से आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है इस परफ्यूम के साथ। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी कभी विजिट करें involvyourscents.com पे। यूज़ कूपन को टीम कार्डलाइट। और रियर डोर पे बॉटल होल्डर स्पेस और एक डोर पॉकेट मिल जाती है। साथ में पावर विंडो कंट्रोल्स भी यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दी गई है। एंड आप स्पेस देख सकते हैं यहाँ पे, लेग रूम यहाँ पे अच्छा अवेलेबल है। हेडरूम मेरे हेड के हिसाब से मेरे को ठीक ठाक मिलता है, बिकॉज सनरूफ दी गई है यहाँ पे, तो हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ओवरऑल जो विंडोज वगैरह है वो काफ़ी अच्छे साइज की दी गई है। अब चेक करते हैं फ्रंट सीट्स, अब चेक करते हैं इंटीरियर के फीचर्स। यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री दी गई है, तो आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ORVM क्लोज हो जाते हैं, डोर्स लॉक हो जाते हैं। स्मार्ट कीलेस एंट्री सिर्फ इस साइड अवेलेबल है, उस साइड आपको नहीं मिलती। पहले दी गई थी, अब आपको नहीं मिलती। और यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है, और यहाँ पे वेलकम फंक्शन। एंड दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। इंटीरियर में आपको यहाँ पे डुअल टोन थीम मिल जाता है, सिल्वर फिनिश मिल जाती है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है। एंड यहाँ पे सनरूफ भी अवेलेबल है जिसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया, तो कुछ ऐसे आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे साइज में ओपन हो जाती है ये। साथ में यहाँ पे लेदर सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है वाइट कलर की। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लच फुट रेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, सारे इल्यूमिनेटेड है। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर। और ये है फ्रंट डोर के लुक। तो यहाँ पे भी डुअल टोन कलर का आपको डोर मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेदर दिया गया, कुशन दिया गया। सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड, यानी कि पीछे बैकलाइट है। ऑटो डाउन और ऑटो अप, कार को बंद भी कर देंगे यानी कि पुश स्टार्ट बटन प्रेस करके बंद भी कर देंगे तो भी आपको यहाँ पे कुछ देर तक इसे ऑपरेट करने का फंक्शन मिल जाता है। दो यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलेंगे, एक यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर, स्पीकर, ट्विटर्स। तो फीचर्स तो यहाँ पे भर भर के दिए गए हैं। और जो फ्रंट सीट्स हैं वो रियर सीट से भी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल मिलती है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अंडरथाई सपोर्ट दिया गया है, लोअर बैक सपोर्ट, और बहुत ही अच्छे से ये आपको पकड़ के रखती हैं सीट्स। और जो शोल्डर सपोर्ट है वो भी यहाँ पे काफ़ी सही अवेलेबल है। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है लेदर आप दिया गया, काफ़ी अच्छी है, ग्रिप भी ऑफर करता है। पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो टेल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं दी गई। जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं। यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं सारी, कॉलिंग के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको इस साइड मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स। और जो वाइपर्स भी हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। थ्री साइड ये वॉशर स्प्रे करती है दोनों ही। और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्टीयरिंग व्हील पे ये कंट्रोल होते तो ज़्यादा बेटर रहता। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन शो करेगा, टायर टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डुअल ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, डिस्टेंस टू MD, माइलेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इवन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। डे के लिए डिफरेंट आप सेट कर सकते हैं, नाइट में डिफरेंट आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइट चेंज हो गई है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है। साथ में यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है विद अ लैम्प, तो लाइट दी गई है दोस्तों। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे दो फ्रंट में हेलोजन लैम्प अवेलेबल है, और ये लाइट काफ़ी पावरफुल है। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर या फिर कोई लाइट आपको नहीं मिलती, तो बिल्कुल प्लेन यहाँ पे दिया गया। और ये ऑटो डिमिंग IRVM। और इसी के साथ दोस्तों ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम।
तो ये है 7 inches का टच स्क्रीन इनपुट टेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे फिजिकल बटन भी मिल जाते हैं, कंप्लीट टच स्क्रीन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 फ्रंट वेंटर दिए गए हैं। कार इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रिवर्स कैमरा में यहाँ पे गाइडलाइन शो हो या फिर वॉइस कमांड मिले या ना मिले उसे भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो गाइडलाइन दी गई है वो अडैप्टिव है, जैसी स्टीयरिंग आप मूव करेंगे तो गाइडलाइन ये जो लाइन्स है ये भी मूव होती है, तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट गाड़ी जा कहाँ पे रही है। जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं तो प्रॉपर हमें दिख जाता है। और ये पैरेलल पार्किंग या परपेंडिकुलर पार्किंग, यानी कि हमें ऐसे पार्क करना हो या फिर ऐसे पार्क करना हो तो ये लाइन उस अकॉर्डिंग आ जाती है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। DRLs को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलती, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ रेडियो और USB को ये सिस्टम सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो पैसेंजर साइड एयरबैग जो है उसका ऑफ का रिमाइंडर मिलता है। पैसेंजर साइड जो एयरबैग है उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। ये है रियर डिफॉगर, ये है MID के कंट्रोल्स और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल। तो स्टीयरिंग मोड, कम्फर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट, 3 मोड मिलते हैं। साथ में यहाँ पे डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक AC अवेलेबल है। ये सबसे यूनिक फीचर है जो कि इस सेगमेंट में दिया गया है। वैसे तो ये बहुत ही हाई एंड सेगमेंट वाले फीचर हैं जो कि यहाँ पे दिया गया। साथ में मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप मेमोरी फंक्शन में स्टोर कर सकते हैं कि 3 टाइप की सेटिंग, जैसे कि एक सेटिंग में स्टोर कर सकते हैं कि यहाँ पे 25 टेम्परेचर है, यहाँ पे 19 है, अलग अलग सेटिंग में आप डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया। साथ में 2 USB आपको पोर्ट मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनेटेड है, यानी कि पीछे लाइट है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, एक आपको यहाँ पे ऑक्स पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, साथ में यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट है। तो ये आप देख सकते हैं डोर्स के पास जो थी पहले वो हटा दी गई है, अब आपको यहाँ पे मिलती है। पहले यहाँ पे जो डोर्स हैं यहाँ पे भी दी जाती थी लेकिन अब आपको नहीं मिलती। और कुछ ऐसा आपको गियर बॉक्स मिलता है, लेदर ऐप नहीं दिया गया, नॉर्मल ही है लेदर ऐप, आप बाद में करवा सकते हैं। ट्रिप्ट्रॉनिक फंक्शन मिलता है तो मैन्युअली भी हम गियर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और न्यूट्रल पे यहाँ पे पार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको काफ़ी कुशन आर्मरेस्ट मिल जाती है, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड ही है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया, और इसी के साथ यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। इवन ये जो चीज़ है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर आपको जैसे डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह क्लीन करनी हो। और इसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत ही बिग साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया, एंड यहाँ पे एक लैम्प भी अवेलेबल है। कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता, कार्ड होल्डर मिल जाता है, कुछ और स्टोरेज एरिया मिल जाता है। तो स्टोरेज एरियाज तो यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। इसी के साथ जब हम गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं बहुत ही हेल्पफुल एक फीचर मिलता है जो है टायर डायरेक्शन डिस्प्ले। तो हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में है टायर, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। कोई भी मैं डोर ओपन करता हूँ तो मेरे को उसका प्रॉपर यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, और बोनट ओपन करता हूँ तो उसका रिमाइंडर भी मेरे को मिलता है। तो फीचर्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और इसका जो फेसलिफ्ट है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लिंक को आप चेक कर सकते हैं।